अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर स्टूडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की जो फोटो एडिटिंग है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देखी है, इस तरह की एडिटिंग करने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और प्लस वाले आइकन पर प्रेस करके आप लोगों ने इस तरह से प्रेस करके आप लोगों ने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। और जो बैकग्राउंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो बैकग्राउंड है इसके, इसको आप लोगों ने सबसे पहले क्रॉप करके इतना सा क्रॉप कर लेना है ये। उसके बाद आप लोगों ने जहाँ पे पिक्चर का बैकग्राउंड रेज अगर रखा हुआ है वहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने स्टिकर में सेव किया हुआ, वहाँ से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड करना है, रेज करना नहीं आता, तो उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली तौर पे इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे ओपन करके आप लोगों ने ये MV4 इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों ने इस तरह से पिक्चर को एडजस्ट करना है। उसके बाद आप लोग दोबारा से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने लाइट क्रॉसेस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस और फेड को 100 करके ब्राइटनेस को थोड़ा सा सिर्फ 16 तक आप लोगों ने रखना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे ड्रा टूल में आना है। ड्रा टूल में आने के बाद आप लोगों ने कलर को सिलेक्ट करके आप लोगों ने डार्क ये इस तरह का ब्लू कलर आप लोगों ने सिलेक्ट करके आप लोगों ने डन करके सेटिंग करना है ओपन। और साइज़ को भी बढ़ाना है और ओपेसिटी को भी 100 और हार्डनेस को आप लोगों ने 0 कर देना है। और सेट करने के बाद आप लोगों ने इस तरह से एक लाइन लगानी है। और लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों ने 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और इसको जितना आप बड़ा करना चाहिए उतना आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना काफ़ी है इतना। इसके बाद आप लोगों ने टिक वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोगों ने दोबारा से एक एम्प्टी लेयर लेनी है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आप लोगों ने कलर वाले आइकन पर आना है और आप लोगों ने रेड कलर को सिलेक्ट करना है इस तरह से। तो दोबारा आप लोगों ने इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करके इस तरह क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके इसको भी बड़ा करना है इस तरह से। तो दोस्तों एकदम से एडजस्ट हो गया है। तो इसको ठीक करके आप लोगों ने नीचे क्लिक करके आप लोगों ने इसको भी डार्क करना है, रेड को भी और ब्लू को भी डार्क कर देना है इस तरह। तो दोस्तों देखें फोटो बहुत ही अमेजिंग हो रही है। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से यही प्रोसीजर करना है। इसी तरह से आप लोगों ने दोबारा से इसको ब्लू और रेड कलर में सेव करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से ड्रा टूल में जाना है इस तरह से। ड्रा टूल में जाने के बाद मैं जल्दी से फास्ट कर दिखा देता ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसी तरह से आप लोगों ने करने के बाद आप लोगों ने डार्क और ब्लू और इस सबसे एंड वाले काम पर क्लिक करके आप लोगों ने भी डार्क करना है तो बिल्कुल ही अमेजिंग लग रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने ताकि आपको हमेशा ऐसे नए नए वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।